सिंगापुर एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने सिटिंग जो है ना ऐसे बेहतरीन किस्म के सोफ़े लगाए हुए, जबकि नॉर्मली जो है एयरपोर्ट के ऊपर इतनी ज़बरदस्त आपको सिटिंग नहीं मिलती, स्टील वगैरह की जो है ना चीज़ें लगाई हुई होती हैं, बट यहाँ पे ज़बरदस्त इन्होंने सिटिंग बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट के ऊपर। तो इस एयरपोर्ट के ऊपर टोटल 4 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1, 2, 3 एंड 4। ये जो ज्यूल बना हुआ है टर्मिनल 1 पे मौजूद है, इसके पीछे थॉट ये है कि यहाँ पे हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें। हालांकि इनके पास जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लॉन्ग ओवर से आप आते हैं। तो इन्होंने ये देखो कितना बेहतरीन किस्म का आबशार का व्यू बनाया हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे इंडोर दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, कैनोपी वॉक वगैरह बनी हुई है। ऊपर जो है ना यहाँ पे काफ़ी सारे 13 से 14 डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जो आप कर सकते हैं। सामने साइकिलिंग दी हुई है, साइकिलिंग जो है वो टोटली फ्री है, इंतहाई हेल्दी एक्टिविटी है। जैसे आप ले ओवर के बाद आते हो तो यहाँ पे आके आप साइकिलिंग कर सकते हो। उसके अलावा ये दरख्त और ये सारा सब्ज़ा माहौल, बेसिकली सिंगापुर में कहीं भी आप जाओगे आपको ये सब्ज़ा मिलेगा। मैंने आप लोगों को बाकी अपनी वीडियोज़ में बताया कि यहाँ पर क्लाउड फॉरेस्ट बना हुआ है, वहाँ पर फ्लावर डोम बना हुआ है, जो कि सिंगापुर की पहचान है। इसी तरह से चेंगी एयरपोर्ट दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट है जहाँ पर ये आबशार बनी हुई है, ज्यूल चेंगी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं सिंगापुर तो ये मस्ट विज़िट है, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है ना वो वाइब है जो कि अंदर से आ रही है। बेसिकली आई एम ट्रैवलिंग लेकिन आई एम नॉट टायर्ड एनी मोर, क्योंकि रिलैक्स हो गया बिल्कुल बंदा ना ये हालात और देख के। बाकी पूरे एयरपोर्ट पर जैसे रूटीन में होता है कि शॉपिंग मौजूद है, लग्जरी ब्रांड्स है, सिंगापुर अपने लग्जरी शॉपिंग की वजह से मशहूर है। तो इंशाल्लाह बाकी वीडियोस में जैसे हम बात करते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है कि सिंगापुर का वीज़ा इवन बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के आप कैसे ले सकते हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखें। और मेरी वीडियो चैनल के ऊपर हमेशा इसी तरह से होती हैं कि हमने कैसे आना है और क्या कुछ करना है। लेकिन अभी चूँकि मैं खुद ट्रैवल कर रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को एक लाइव थोड़ा सा जो है ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूँ और साथ ही साथ चीज़ भी दिखा दूँ। कि जैसे मैंने बताया कि मैं ज्यूल अभी देख के आया हूँ, सिंगापुर एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, जिसको कहते हैं चेंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पे दुनिया का सबसे ज़्यादा ये 12 साल तक बेस्ट एयरपोर्ट कहलाया गया है। और वाकईतन जो मैं यहाँ पर हालात देख रहा हूँ, जिस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह की सर्विसेज नॉर्मली, इवन के जैसे मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर भी काफ़ी दफ़ा मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन इतना सब कुछ जैम पैक्ड एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी जैसे यहाँ पे। यहाँ पे 3-4 घंटे तो मसला ही नहीं है। यहाँ पे आसपास हाई एंड शॉपिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं, ये पोलो के आउटलेट्स और जिस तरह से जनरली होते हैं, अगर ये आप आसपास देखें सारे के सारे ब्रांड्स जो है ना यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा थका हुआ था तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी पी के जो है ना फिर बाकी एक्टिविटीज़ भी एक्सप्लोर करता रहूँगा। लेकिन इवन ज्यूल की अपनी 13 से 14 एक्टिविटीज़ हैं, इसको 12 साल दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है स्काईट्रेक्स की तरफ से। और ये एशिया का बिजीएस्ट तरीन एयरपोर्ट है, जब भी आप लोग यहाँ से लेओवर पे आएँ तो इसको ये मस्ट विज़िट एक्टिविटी है कि ज्यूल पे ज़रूर आएँ और यहाँ पे सारी सारी थकावट उतर जाती है। बाकी जो नॉर्मल है जैसे कि कई एयरपोर्ट्स पर मसाज चीज़ें अवेलेबल होती हैं थकावट वगैरह के लिए, लेजर एक्टिविटी, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा वन एंड ऑल। तो कॉफ़ी पी रहा हूँ और आप लोग ज़रा ये थोड़ी सी 2-4 चीज़ें देखें एयरपोर्ट की, बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसे ही अपनी ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहूँगा और आप लोगों को आने के तरीके भी साथ के साथ, जैसे मैंने अपनी सिंगापुर की बताई है, नहीं तो वीडियो जाके देख लें कि वीज़ा यहाँ पे इवन बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के सिंगापुर का वीज़ा मिलता है। तो ये ज़रूर विज़िट करें, अपनी चेक लिस्ट में, बकेट लिस्ट में इसको डालें। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।